गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे 7 जुलाई 2020 का करंट अफेयर के क्विज के क्वेश्चन। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम 10 क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। अगर आपको 10 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन का आंसर आएगा तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, CBFC के नए CEO कौन है। ठीक है, CBFC क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ठीक है, इसके नए CEO कौन बने हैं, इनका नाम आपको बताना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, किस IIT ने COVID-19 का पता लगाने के लिए AI आधारित उपकरण विकसित किया है, ये भी आपको बताना है, तो उस IIT का नाम बताना है। मत्स्य संपदा का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया, तो आप ये बताएंगे कि किसने लॉन्च किया। फोर नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षेत्र को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, तो कौन सा वो क्षेत्र है जिसको 6 महीने के लिए अशांत के रूप में घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए उस राज्य का नाम बता देंगे, तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और राज्य का नाम ही बताना है आपको। चलिए फाइव नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने निगार जौहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है, तो ये कौन सी देश की पहली महिला है जो महिला लेफ्टिनेंट का जनरल के पद पे नियुक्त हुई है, उस देश का नाम बताना है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया, तो आपको राज्य के मुख्यमंत्री के नाम के बारे में आपको बताना है। ठीक है, सेवन नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के लिए जिनेवा में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है, ये भी आप बताएंगे। एट नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण को बढ़ाने की पहल शुरू की है, तो ये राज्य सरकार कौन सी है आप इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, उस राज्य के स्टेट का नाम बताएंगे आप कमेंट में, अगर आपको आ रहे हैं तो आप जरूर बताइए, इससे आपकी रिवीजन होती रहेगी। चलिए एट नंबर क्वेश्चन हो गया। नाइन नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया है। ठीक है, तो सबसे अच्छे मोस्ट वैल्यू वाले प्लेयर कौन है, तो उनका नाम आपको बताना है। टेन नंबर क्वेश्चन है, ICC के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। ठीक है, तो ICC के जो अभी अध्यक्ष थे शशांक मनोहर, तो उनको वो किसी कारणवश नहीं है, तो अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्त, अब हो गए आपके 10 क्वेश्चन, क्विज के क्वेश्चन आपने समझ लिया है, अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो आप आंसर जरूर करिए। चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं, CBFC के नए CEO कौन है। तो पहले CBFC के आप फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो कौन से फिल्मों को क्या सर्टिफिकेट देना है ये इसका काम है, जो भी मूवी भारत में रिलीज होती है उसको ये सर्टिफिकेट देता है। ठीक है, तो इसके जो CEO बने हैं इनका नाम है रविंदर भाकर। ठीक है, उसके बाद देखिए CBFC किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, तो ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, कहाँ काम करता है, ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत। ठीक है, तो अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, तो ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत। ठीक है, तो ये तीन चीजें हो गई। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, किस IIT ने COVID-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण का विकसित किया है, तो ये IIT है IIT गांधीनगर। ठीक है, ये कहाँ पड़ेगा आपका, ये आपका पड़ेगा गुजरात में। ठीक है, अब गुजरात के CM कौन है, विजय रूपानी। ठीक है, गुजरात में क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, नर्मदा जिले में, उसकी ऊंचाई क्या है, 182 मीटर, ये आपको याद रखना है। और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना है जिसका नाम था मोटेरा स्टेडियम, अब उसका नाम बदल के रख दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे, तो वो दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा स्टेडियम है, तो ये भी आप याद रखेंगे।
और गुजरात पुलिस को क्या दी गई है? टेजर गन। टेजर गन दी गई है गुजरात पुलिस को, तो ये भी आप याद रखेंगे। और सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना भी यहाँ पे चलती है गुजरात में, तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मत्स्य संपदा का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया? तो ये हमारे जो मंत्री हैं, ठीक है, गिरिराज सिंह, तो इन्होंने ये काम किया है। ठीक है, अब देखिए ये किस किस चीजों के मंत्री हैं, ये भी मैं लिख दे रहा हूं। पशुपालन मंत्री, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री। ठीक है, तो ये इतने चीजों के मंत्री हैं। ठीक है, अब देखिए इनका चुनाव क्षेत्र क्या है? इनका चुनाव क्षेत्र है बेगूसराय, बिहार से। ठीक है, ये बिहार से सांसद हैं। अब आते हैं फोन नंबर क्वेश्चन पे, हाल ही में किस क्षेत्र को 6 महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया गया है? तो ये क्षेत्र है नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। ठीक है, अब नागालैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। क्या है? कोहिमा इसकी कैपिटल है। और यहाँ पे जो सीएम है उनका नाम है निफ्यू रियो। ठीक है, निफ्यू रियो यहाँ के क्या है? सीएम है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आर्यन रवि। क्या नाम है? आर्यन रवि। ठीक है, और देखिए नागालैंड की एक अच्छी खास बात है, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ऑफिशियल भाषा क्या है यहाँ की? ये है इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हो गई। और यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है, ये है हॉर्नबिल। ठीक है, हॉर्नबिल क्या है? हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है नागालैंड में, लेकिन हॉर्नबिल वहां का एक चिड़िया है। ठीक है, जो टूकन के पक्षी जैसा दिखता है। ठीक है, टूकन पक्षी आपने देखा, तो उसी के जैसा ये थोड़ा बहुत दिखता है, उसे हम हॉर्नबिल पक्षी कहते हैं, तो उसी के नाम पे ये त्योहार मनाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने निगार जौहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया है? तो ये देश है पाकिस्तान। ठीक है, और देखिए पाकिस्तान की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में, उनका नाम है आयशा मुगल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, आयशा मुगल। ठीक है, ये क्या है? ये पाकिस्तानी सिंगर है। ठीक है, पाकिस्तानी सिंगर, और ये यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगी। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? इमरान खान। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ये है आरिफ अलवी। ठीक है, तो आरिफ अलवी कौन है यहाँ के? राष्ट्रपति हैं। और देखिए पाकिस्तान 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो ये किस नंबर पे है? 5वें नंबर। पहले नंबर पे कौन है? चीन। और दूसरे नंबर पे कौन है? अपना भारत। ठीक है, और 5वें नंबर पे कौन है? ये है आपका पाकिस्तान। तो चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया? तो यह है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। अच्छा, अब उत्तराखंड के त्योहार के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए रोज आपको नेशनल पार्क के बारे में बताना सही नहीं है, रोज अलग अलग चीजें बताऊंगा तो आपको ज्यादा तैयार होगा। जैसे त्योहार क्या है यहाँ का? भिटौली त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है, हरेला त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक मेला लगता है, नंदा देवी मेला। ठीक है, नंदा देवी मेला लगता है। यहाँ का एक त्योहार है जिसका नाम है बिस्सू। ठीक है, क्या नाम है? बिस्सू। उसके बाद एक त्योहार और मनाया जाता है, उत्तरायणी त्योहार। क्या मनाया जाता है? उत्तरायणी त्योहार। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें मनाई जाती हैं। उसके बाद है 7वें नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के लिए जिनेवा में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया है? तो इनका नाम है इंद्रमणि पांडे। ठीक है, इंद्रमणि पांडे को बनाया गया है। और यूनाइटेड नेशन में जो हेड है उनका क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरिस। ठीक
ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस, ये किस देश के हैं, पूछा जा सकता है, पुर्तगाल के हैं ये। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में है, तो हो गया ये, ठीक है, इतनी सारी चीजें हो गई। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण को बढ़ाने की पहल शुरू की, तो यह है उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। अब देखिए दो जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं, उड़ीसा के बारे में, ठीक है, और उड़ीसा के जो मंत्री थे नवीन पटनायक, उनको पेटा एनिमल टू पेटा अवार्ड दिया गया था, ठीक है। चलिए जीआई टैग के बारे में जानते हैं, कंधमाल हल्दी, कंधमाल हल्दी, तो ये कहाँ का जीआई टैग है, उड़ीसा का, और यहां पे है अराकू वैली, अराकू वैली, अरेबिका कॉफी, अरेबिका कॉफी, ठीक है। तो ये कहाँ का जीआई टैग है, ये भी है आपका उड़ीसा का। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिजटन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया है, तो ये है रविंद्र जडेजा, रविंद्र जडेजा, क्यों है, क्योंकि ये फील्डिंग भी बहुत अच्छा करते हैं और खेलते भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। फिर हम आते हैं 2-3 अवार्ड पे, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये कौन है, बेन स्टोक्स, ये सब पेपर में आएंगे क्वेश्चन, स्टोक्स, बेन स्टोक्स, ठीक है। टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, इनका नाम है पैट कमिंस, क्या है, पैट कमिंस। उसके बाद वन डे प्लेयर ऑफ द ईयर, वन डे प्लेयर ऑफ द ईयर, ये कौन है, ये है हमारे भारत के रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा को खेल रत्न पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया गया है, अब देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो इनका नाम है इमरान ख्वाजा, इमरान ख्वाजा। आईसीसी का फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, हेडक्वार्टर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो यह दुबई में, कहाँ पे है, दुबई में। तो चलिए अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, क्या हमने आज पढ़ा, ठीक है। सीबीएफसी के नए सीईओ कौन बने हैं, तो इनका नाम है रविंदर भाकर, ठीक है। सीबीएफसी किस मिनिस्ट्री के अंडर काम आती है, या तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत ये काम करती है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने COVID-19 का पता लगाने के लिए एआई आधारित उपकरण विकसित किया है, तो ये आईआईटी है, आईआईटी गांधीनगर, ठीक है। आईआईटी गांधीनगर कहाँ पे, यह है गुजरात में। और टेसर गन सबसे पहले किस पुलिस को दी गई है, ये दी गई है गुजरात पुलिस को। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मत्स्य संपदा का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया, तो ये मंत्री जो है हमारे गिरिराज सिंह, ये किस किन चीजों के मंत्री हैं, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के, ठीक है, मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षेत्र को 6 महीने के लिए अशांत घोषित किया गया है, तो ये क्षेत्र है नागालैंड, ठीक है। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा, और यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है निफ्यू रियो, और गवर्नर कौन है, आर्यन रवि। ऑफिशियल भाषा नागालैंड की क्या है, यह है इंग्लिश, और यहाँ पे एक त्यौहार मनाया जाता है जिस त्यौहार का नाम है हॉर्नबिल। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने निगार जौहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है, तो ये है पाकिस्तान, ठीक है, किस देश की है, ये पाकिस्तान। और आयशा मुगल को यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है, किसकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, और ये क्या है, पाकिस्तान की सिंगर है। यहाँ के जो पीएम है उनका नाम है इमरान खान, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है आरिफ अलवी। 6 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का आयोजन किया, तो ये है राज्य उत्तराखंड, ठीक है। त्योहार क्या है, त्योहार है यहाँ का भिटौली हरेला, ठीक है, बिठौली हरेला बिस्सू और उत्तरायणी त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है, और यहाँ पे एक मेला लगता है नंदा देवी मेला, ठीक है, यह आपसे पेपर में पूछा गया है इसलिए इम्पोर्टेंट है, नंदा देवी मेला कहाँ पे लगता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के लिए जिनेवा में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया है, तो ये है इंद्रमणि पांडे। यूनाइटेड नेशन के हेड कौन है, ये है एंटोनियो गुटेरेस, और ये किस देश के हैं आपसे पूछा गया है पेपर में, ये है पुर्तगाल। हेडक्वार्टर कहाँ पे है,
यूनाइटेड नेशन का, यह है न्यूयॉर्क में। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने की पहल शुरू की है, तो ये सरकार है उड़ीसा। ठीक है, अब उड़ीसा के जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि कंधमाल हल्दी। ठीक है, कंधमाल हल्दी कहाँ की है, यह है उड़ीसा की। अराकू वैली अरेबिका कॉफी, ये भी जीआई टैग कहाँ का है, यह है उड़ीसा का। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया है, तो ये है रविंद्र जडेजा। कौन है, रविंद्र जडेजा। और देखिए, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है, बेन स्टोक्स को। टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, ये मिला है पैट कमिंस को। और वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, ये मिला है रोहित शर्मा को। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हो गई। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, आईसीसी का अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो इनका नाम है इमरान ख्वाजा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इमरान ख्वाजा। और आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो यह है दुबई में। ठीक है, और दुबई में एक बहुत ऊंची इमारत है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है बुर्ज खलीफा। ठीक है, तो दोस्त ये हो गया वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को प्लीज लाइक करिए, और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको रिलेट करके बताई है, तो वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा। आप एक बार देखिए और आपको पता चलेगा इस तरीके से करंट अफेयर के कुछ को कितने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके मैंने बताया, कितनी सारी चीज़ों को रिलेट करके बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ठीक है, उनको भी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सबकी हेल्प करिए। एंड फाइनली वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं 8 जुलाई के करंट अफेयर के क्विज में।